हे गाइस, वेलकम टू यूनिनी यूनिकर्स। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेके आया हूँ सैमसंग की तरफ से आने वाली इनकी एक नई साउंड बार जो है T420। और ये जो है ये है अपग्रेडेड मॉडल T42E का। और जो T42E है वो ऑनलाइन मॉडल है, पर आप उसको बाय मत करना, आप इस मॉडल को बाय करना जो कि है इसका न्यूअर और अपग्रेडेड मॉडल जो कि है T420। तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना। अगर आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देख लेते हो आपको कोई भी क्वेरी नहीं रहेगी। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो ये है सैमसंग की साउंड बार T420 का बॉक्स। सामने की तरफ आपको सैमसंग और साउंड बार T420 लिखा हुआ मिल जाता है और कुछ फीचर्स दिए गए हैं जैसे पावरफुल बेस, वन टच रिमोट कंट्रोल, वो आपको आगे चल के बताऊंगा। तो बॉक्स के पीछे इसकी MRP वगैरह लिखी हुई है जो कि है 16,990, पर ये इतने का नहीं है, वो आपको आगे चल के मैं वीडियो के अंदर बताऊँगा कि ये जो साउंड बार है आपको कितने की देखने को मिलती है। तो ये सभी चीज़ें आपको इसके बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाती हैं। सबसे पहले इधर हमें यूज़र मैनुअल दी गई है, उसके साथ ही हमें इसकी पावर कॉर्ड मिलती है और उसके साथ इधर हमें ऑप्टिकल केबल जो है वो भी प्रोवाइड कर रखी है जो कि 2 मीटर लंबी है। और साथ में हमें इधर सैमसंग का रिमोट भी दिया गया है। दूसरे वॉल माउंट्स हमें देखने को मिलते हैं जिनके हमें स्क्रूज भी इधर देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल ये सभी जो चीज़ें आपको बॉक्स के अंदर दी जाती हैं। तो ये है इस सैमसंग की साउंड बार का रिमोट। और सामने की तरफ इधर हमें पावर ऑन एंड ऑफ बटन देखने को मिलता है, उसके साथ हमें इधर सोर्स बटन देखने को मिल जाता है, इधर से हम सोर्स शिफ्ट कर सकते हैं। साथ में हमें ब्लूटूथ पेयरिंग बटन दिया गया है और फ्रंट बैकवर्ड जो बटन्स हैं इनका कोई भी काम नहीं है। म्यूट बटन आपको देखने को मिलता है, साउंड मोड्स दिए गए हैं और सेटिंग का बटन दिया गया है, वॉल्यूम और वूफर की वॉल्यूम जो है वो आप सेट कर सकते हो। और पीछे इधर आपको जो है वो ग्रिप भी ऑफर कर रखी है। और पीछे इधर आपको 2 AA बैटरीज की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपको इस रिमोट को पावर करना है तो। और ये जो रिमोट है ये आपको सेम सैमसंग की LED TVs वाला देखने को मिलता है और इसकी जो हैंडल फील है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी जो है आपको देखने को मिलती है। तो ये है सैमसंग की साउंड बार का फ्रंट, और फ्रंट आपको बिल्कुल प्लेन देखने को मिलता है और इसके ऊपर आपको मैश निटेड मैश देखने को मिलती है। और सामने की तरफ इधर हमें सैमसंग की ब्रांडिंग जो है वो देखने को मिल जाती है। ऊपर की तरफ भी आपको सेम निटेड मैश जो है वो देखने को मिलती है जिसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और इधर हमें इसके कुछ बटन्स भी दिए जाते हैं जैसे पावर ऑन एंड ऑफ बटन, वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन और सोर्स बटन। और ये जो बेसिक काम है ये आप सिंपली साउंड बार से ही कर सकते हैं, आपको इसके अंदर रिमोट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओवरऑल बाकी साउंड बार क्लीन मिलती है आप। तो ये है साउंड बार की बैक, और साउंड बार की बैक आपको बिल्कुल क्लीन देखने को मिलती है। और इधर हमें डॉल्बी ऑडियो DTSS का सपोर्ट भी देखने को मिलता है और एनर्जी स्टार की इसके ऊपर हमें रेटिंग भी दी गई है। और ओवरऑल साउंड बार के पीछे आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता, ओवरऑल जो साउंड बार है कुछ ऐसी दिखती है। तो ये है इस साउंड बार का बॉटम, और इधर आपको जो इसकी लेग्स हैं वो देखने को मिलती हैं। और इधर आपको कुछ स्क्रूज मिलते हैं जहाँ से आप जो वॉल माउंट है उसको अटैच कर पाओगे। और इधर आपको पावर कॉर्ड कनेक्ट करने के लिए पावर इनपुट जो है वो देखने को मिलती है। और उसके दूसरी साइड पर इधर आपको सब वूफर कनेक्ट करने के लिए इसका एक पोर्ट देखने को मिलता है जो कि आपको मैं आगे चल के बताऊँगा। और थोड़ा सा अगर हम आगे चलते हैं साउंड बार के तो इधर जो है हमें ऊपर USB देखने को मिल जाती है और नीचे इधर हमें ऑप्टिकल इनपुट जो है वो दी गई है। और इसके अंदर ना आपको HDMI ना AUX, सिर्फ आपको 3 कनेक्टिविटी सोर्सेज मिलते हैं जो कि है USB, ऑप्टिकल और ब्लूटूथ। और ये इसका मेजर ड्रॉबैक लगा मेरे को, क्योंकि इस साउंड बार के अंदर इनको HDMI ARC का और एटलीस्ट AUX का सपोर्ट देना चाहिए था। तो साउंड बार की बात हमने कर ली, तो अब हम बात करते हैं सब वूफर की। तो ये है इसका सब वूफर, सामने आपको मैच दी जाती है और इधर आपको सैमसंग की ब्रांडिंग जो है वो देखने को मिलती है। सब वूफर के ऊपर आपको ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता। और ये है इसकी साइड्स जो कि दोनों साइड्स आपको बिल्कुल प्लेन देखने को मिलती है, कुछ भी इनके ऊपर आपको नहीं मिलता, बट हाई क्वालिटी पैनल यूज़ किया गया है। और ये है इसका बैक, और इधर आपको एक होल देखने को मिल जाता है एयर सर्कुलेशन के लिए। और नीचे इधर आपको केबल दी जाती है और इसको आप साउंड बार से कनेक्ट कर सकते हो और काफ़ी ज़्यादा इजीली कनेक्ट हो जाएगी। तो ये है वो केबल, और कुछ अलग सी केबल जो है हमें इधर दी जाती है। और इसका जो आगे का पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब सा है, तो अभी मैं आपको इसको कनेक्ट करके भी दिखा देता हूँ कि कितनी आसानी से आप इसको कनेक्ट कर पाओगे। तो सिंपली कुछ इस तरीके से ये कनेक्ट हो जाती है, कोई रॉकेट साइंस इसके अंदर आपको नहीं लगानी। तो जैसे आपने देखा इस साउंड बार का ओवरव्यू, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और इस वीडियो का जो लाइक है मैं वो है 1000 लाइक्स का,
तो ये टारगेट को पूरा करवा देना। तो अभी मैं आपको इस साउंड बार को चलाकर दिखाता हूँ और इसके कुछ आपको फीचर्स भी बताता हूँ। तो अभी मैंने ये साउंड बार को कनेक्ट कर दिया है, तो अभी मैं आपको इसको ऑन करके दिखाता हूँ और इसके सारे फीचर्स भी बताता हूँ कि इसके अंदर आपको कौन कौन से फीचर्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। तो कुछ ऐसी सी आपको छोटू सी डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाती है और इधर हमें ब्लूटूथ रेडी देखने को मिलता है, यूएसबी मोड है, डिजिटल इन आपको देखने को मिलती है जो कि है ऑप्टिकल, और इधर अभी ब्लूटूथ रेडी लिखा हो रहा है, और अगर आप इसको पेयरिंग करोगे तो कुछ ऐसा सा ब्लूटूथ पेयरिंग लिखा हुआ आ जाएगा। और अभी हम अगर वॉल्यूम के बारे में बात करें तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से वॉल्यूम भी इंडिकेट करता है। जैसे अभी मैंने इसको म्यूट किया है और इसकी वॉल्यूम 91 है, और यहाँ पे आपको इसका स्टैंडर्ड मोड देखने को मिलता है और अभी सराउंड साउंड मोड आपको इधर दिया जाता है, और उसके बाद में इधर हमें गेम मोड देखने को मिलता है, और उसके बाद इधर हमें देखने को मिलता है स्मार्ट मोड। तो स्मार्ट मोड कुछ इस तरीके वर्क करता है कि जो भी आपका पीछे मीडिया चल रहा है उसके हिसाब से ये अपना जो वोकल्स है और म्यूज़िक है वो एडजस्ट करता है, और ये काफ़ी ज़्यादा कूल फीचर है इस साउंड बार का। और इधर से आप सब वूफर की जो वॉल्यूम है वो अप एंड डाउन कर सकते हो, प्लस एक से और माइनस एक से, जो कि आप सब वूफर को एडजस्ट कर पाओगे, और काफ़ी ज़्यादा ये कन्वीनियंट रहेगा। अगर आपको बेस हाई करनी है आप हाई कर सकते हो, लो करनी है आप बेस लो कर लो, और ये काफ़ी ज़्यादा कूल फीचर है। तो अभी आप इस साउंड बार का साउंड टेस्ट भी एंजॉय कर लो। वो दरवाजा खुला था, लात मारने की क्या तो अब बात आ चुकी है मेरी वर्डिक की कि आपको ये जो सैमसंग की साउंड बार है ये आपको परचेज करनी चाहिए कि नहीं। तो अगर हम इस साउंड बार की बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो ये साउंड बार काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है, और जो सैमसंग का सर्विस नेटवर्क है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, मतलब सैमसंग का जो है वो सिर्फ नाम ही काफ़ी है। अगर आप किसी और कंपनी की साउंड बार वगैरह परचेज करते हैं जैसे बोट की, तो आपको जो आफ्टर सेल सर्विस है वो थोड़ी सी आपको कम रहने वाली है, और जो सैमसंग का आफ्टर सेल सर्विस है वो काफ़ी ज़्यादा सुपर आपको मिलती है। और सैमसंग का जो है सर्विस सेंटर वो आपको ऑल ओवर इंडिया जो है वो देखने को मिलता है, बट बोट का आपको ऑल ओवर इंडिया नहीं मिलता। और अगर हम इस साउंड बार की प्राइसिंग के बारे में बात करें तो आपको मार्केट के अंदर 9,000 रुपये के प्राइस रेंज के आसपास देखने को मिल जाती है, और अगर आप इस साउंड बार को दिवाली सीजन पे परचेज करते हो तो ये आपको नियर अबाउट 8,000 रुपये की मार्केट के अंदर मिलेगी। सो यही था मेरा वर्डिक्ट। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को भी लाइक करो, आपके लाइक और सब्सक्राइब से मेरे को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, तो प्लीज़ कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, सो तब तक के लिए गुड बाय एंड एज ऑलवेज गेम ऑन।